वेलकम टू सोशल। ऐसी कितनी सारी फिल्म्स होती हैं जो रिलीज होते ही ऑडियंस को इतनी पसंद आ जाती हैं कि दे बिकम इंस्टेंट मास्टरपीसेस। अगर हमें ऐसी किसी एक फिल्म का एग्जाम्पल देना हो तो इट वुड बी लगान। 2001 में रिलीज हुई लगान वॉज सो अमेजिंग इन एवरी एस्पेक्ट कि रिलीज होने के साथ ही फिल्म को मास्टरपीस डिक्लेयर कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्म्स भी होती हैं जिनको रिलीज होने के काफी टाइम बाद वो रिकॉग्निशन मिलती है जो हमेशा से डिजर्व करती है। अगर हमें ऐसी एक फिल्म का एग्जांपल देना हो तो इट वुड बी गुरुदत्त क्लासिक प्यासा। रिलीज होने के बहुत टाइम बाद पीपल रियलाइज दैट व्हाट अ जेम ऑफ अ फिल्म इट वाज। प्यासा जैसी कई मूवीज हैं जो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती हैं एंड पीपल फॉरगेट द वर्थ ऑफ दीज फिल्म्स। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी फिल्म्स के बारे में बात करेंगे जो हर एस्पेक्ट में मास्टरपीसेस हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो जहां हर बार की तरह इस बार भी टीम सोशल आपके लिए अमेजिंग फिल्म रिकमेंडेशंस लाई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, तलवार। तलवार एक ऐसी थ्रिलर है जो हमें बहुत कम ही हिंदी सिनेमा में देखने को मिलती है। फिल्म की स्टोरी रियलिटी में हुए आरुषि मर्डर केस से इंस्पायर्ड थी और फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। तलवार फिल्म वैसे तो हर एस्पेक्ट में एक यूनिक फिल्म है, लेकिन एक चीज जो इस फिल्म को बाकी क्राइम थ्रिलर से अलग बनाती है वो है इस फिल्म का स्टोरी टेलिंग का तरीका। डायरेक्टर मेघना गुलजार और राइटर विशाल भारद्वाज ने फिल्म का नैरेटिव कुछ इस तरह रखा है कि इसमें ऑडियंस को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि मर्डर आखिर में किसने किया था। इट वाज रिवील्ड बाय विशाल भारद्वाज कि तलवार का नैरेटिव इज समवत सिमिलर टू कुरुसावा'स फिल्म रशमोन, जो कि वर्ल्ड सिनेमा की बेस्ट फिल्म्स में गिनी जाती है। इसके अलावा द फिल्म ब्रॉट थ्री ग्रेट एक्टर्स टुगेदर, इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा एंड नूरज काबी। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इसमें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस कितनी अमेजिंग रही थी। इन आर ओपिनियन तलवार इज अ मास्टरपीस व्हेन इट कम्स टू थ्रिलर्स, क्योंकि इस तरह के थ्रिलर्स को बनाना बहुत चैलेंजिंग है। ये नैरेटिव स्टाइल हिंदी सिनेमा के लिए न्यू था और शायद इसीलिए लोग इस फिल्म को आज भूल ही चुके हैं। इफ यू हैवंट सीन दिस फिल्म देन वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। इफ यू हैव देन ड्रॉप योर ओपिनियन अबाउट इट कि जब आपने पहली बार ये फिल्म देखी थी तो आपको कैसा लगा था। लड़की के खून का रंग क्या था? लाल, लाल ही होगा ना? और नौकर का नीला? नहीं, तभी इतनी आसानी से नौकर का नीला रंग साफ कर दिया होगा ना कि नीला नीला है, नौकर का खून इसको साफ कर दो। नंबर 2, लुटेरा। 2013 में रिलीज हुई फिल्म लुटेरा आज हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स में से एक है। फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रमादित्य मोटवाने ने और फिल्म की लीड रोल्स में हमें रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा दिखाई दिए थे। फिल्म में हमें वरुण की कहानी दिखाई जाती है जो सबसे छुपाता है कि वो एक चोर है। जिस घर में वो चोरी करने आता है उसे वहाँ एक पाखी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। पूरी मूवी का कॉन्फ्लिक्ट ही यही है कि वरुण को डिसाइड करना है कि वो लाइफ से क्या चाहता है। फ्रॉम म्यूजिक टू सिनेमाटोग्राफी टू डायरेक्शन, लुटेरा इज अ मास्टरपीस। फिल्म के गाने आज भी जब आप सुनो तो ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही दिल से बनाए गए म्यूजिक को सुन रहे हो। अमित त्रिवेदी ने इसका म्यूजिक कंपोज किया एंड अनडाउटेडली इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। वी बिलीव दैट लुटेरा वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड ऑडियंस को भी रियलाइज नहीं हुआ कि उन्हें इस फिल्म को किस तरह देखना चाहिए। इट वॉज अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस बट ओवर द ईयर द फिल्म हैज गेन पॉपुलैरिटी। इट वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जो लोगों ने बाद में डिस्कवर की और कितनों की आज ये फेवरेट फिल्म्स में से एक है। आप भी कॉमेंट्स में बताएं कि इज लुटेरा अमंगस्ट योर फेवरेट फिल्म्स। जिस गाड़ी से आपकी टक्कर हुई उसे चलाने वाले का नाम बाबू सिंह था जी, और आपका नाम क्या? नंबर 3, राम सिंह चार्ली। अगर इस पूरी लिस्ट में कोई ऐसी फिल्म है जो सबसे अंडररेटेड है वो है राम सिंह चार्ली। 2020 में रिलीज हुई फिल्म राम सिंह चार्ली को डायरेक्टर नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया था, जो पहले हमें फिल्मिस्तान जैसी अमेजिंग फिल्म दे चुके हैं। फिल्म हमें एक सर्कस आर्टिस्ट राम सिंह चार्ली की कहानी बताती है। इट शोज की कैसे सर्कस बंद हो जाने के बाद उसकी जिंदगी में मुश्किलें आ जाती है। द फिल्म विदाउट अ डाउट एक मास्टरपीस है और फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कुमुद मिश्रा जो राम सिंह चार्ली का कैरेक्टर प्ले करते हैं। द वे ही हैज एक्टेड इन दिस फिल्म इज ट्रूली अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। चाहती हैं हम लोगों के पास काम के लिए भीख मांगे गिगरा चार्ली, हम हमें काम दे दीजिए, हम चार्ली हैं, काम दे दीजिए हमें। ये बहुत डिसहार्टनिंग है कि राम सिंह चार्ली के बारे में ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं है। We have recommended this film twice before in our videos, but till today it seems to be a forgotten gem. तंबू भी गाड़ेंगे, टिकट भी बेचेंगे, परफॉर्म भी करेंगे और सर्कस जरूर बनाएंगे। नंबर 4,
तीन दीवारें। तीन दीवारें एक ऐसी फिल्म है जो हर सिनेफाइल को एक बार तो अपनी लाइफ में जरूर देखनी चाहिए। 2004 में रिलीज हुई ये फिल्म हमें एक जेल के अंदर बंद तीन कैदियों की कहानी दिखाती है। इस फिल्म का नैरेटिव इतना इंटेंस है दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है। फिल्म को नागेश कुकुनूर ने डायरेक्ट किया था, हु इज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड डायरेक्टर। जेलब्रेक फिल्म्स की बात करें तो शॉशैंक रिडेम्पशन स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, पर वहीं यू ऑल शुड वॉच तीन दीवारें एटलीस्ट वंस। इन आवर ओपिनियन दिस बाय फार इज वन ऑफ द बेस्ट जेलब्रेक फिल्म्स ऑफ आवर इंडियन सिनेमा। सब रास्ते बंद हो जाते हैं, मैं हमेशा एक पतली गली का बंदोबस्त कर रहा हूं। नंबर 5, तुम्बाड़। We all can agree here that Tumbaar जैसी फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। From its story to its cinematography to even its background music, Tumbaar हर वे में आपको इम्प्रेस करती है। अगर हम फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म एक पीरियड ड्रामा थी जो हमें विनायक नाम के आदमी की कहानी बताती है। बीइंग अ पीरियड फिल्म, इट वाज इम्पोर्टेंट कि तुम्बाड़ ऑडियंस को उस वर्ल्ड में लेकर जाए जहां पर उसकी स्टोरी सेट है, एंड तुम्बाड़ डज इट सक्सेसफुली। इस फिल्म को बनाने में इतनी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि इसका नैरेटिव बिल्कुल भी मेनस्ट्रीम नहीं था। इसी वजह से फिल्म को प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते थे और इसको फिर एक्टर सोहम शाह ने खुद प्रोड्यूस किया। पूरी फिल्म को बनने में 10 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया, एंड टुडे व्हेन एवरीवन हैज सीन द फिल्म वी कैन से कि तुम्बाड़ एक मास्टरपीस है। मोर देन अ फिल्म, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी फिल्म मेकर हु डेयर्स टू मेक न्यू विजनरी स्टोरीज। टीम सोशल बिलीव्स दैट तुम्बाड़ एक लैंडमार्क फिल्म है जिसने इंडियन सिनेमा में हॉरर जॉनरा को एक अलग डायमेंशन दी है। बाबा, तुम्बाड़ में क्या है? वो देव वही सोजा वरना हस्तर आ जाए, नाम लेने से भी आता है क्या? नंबर 6, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश फिल्म्स में से एक है। फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स यूज्ड इन द फिल्म टू इट्स लार्जर देन लाइफ सेट्स एंड इवन द वे द फिल्म इज शॉट, एवरीथिंग प्रूव्स दैट दिस फिल्म इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी यूज्ड टू सी इन बॉलीवुड। फिल्म को डायरेक्ट किया है दिबाकर बनर्जी ने और फिल्म में हमें नजर आए थे सुशांत सिंह राजपूत इन द रोल ऑफ डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। If we talk about its story, the film 1920s में सेट थी और फिल्म हमें ब्योमकेश बख्शी की कहानी दिखाती है। सुशांत की एक्टिंग वॉज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ द फिल्म, बट मोर देन दैट इट वॉज द प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ द फिल्म दैट मेक्स द वर्ड ऑफ ब्योमकेश बख्शी बिलीवेबल। फ्रॉम द विजुअल्स इट लुक्स लाइक अ फिल्म दैट वॉज मेड ऑन अ बजट ऑफ 100 crores, बट इन रियालिटी इट वॉज मेड इन जस्ट 35 crores। एक पीरियड फिल्म को इतनी परफेक्शन से इतने कम बजट में बनाना इज एन अचीवमेंट इटसेल्फ। फिल्म्स लाइक कलंक, मोहनजोदारो एंड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये सभी फिल्म्स हाई बजट फिल्म्स थी एंड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वाज मेड फॉर 300 crores, बट दे स्टिल कुडंट क्रिएट अ रिलेटेबल वर्ड। धोखा स्वभाव है मेरा और भरोसा मेरा। So just imagine what Byomkesh Bakshi achieved in 35 crores that other films couldn't. It's a sad reality ki jab film release hui to ye box office par flop rahi. Iske already sequels plan kiye ja rahe the par audience response dekhne ke baad usko bhi cancel kar diya gaya. Hame aisa lagta hai ki Detective Byomkesh Bakshi ek masterpiece hai that people will never realize. Ab sabke saath dhoka hua hai. नंबर 7, सीरियस मैन। 2020 में रिलीज हुई फिल्म सीरियस मैन हर रिस्पेक्ट में किसी क्वालिटी इंटरनेशनल फिल्म से कम नहीं है। फिल्म हमें एक फादर सन की रिलेशनशिप दिखाती है जहां फादर का रोल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया है और उनके बेटे का रोल चाइल्ड आर्टिस्ट अक्षत दास ने प्ले किया है। यहाँ पर एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि सीरियस मैन एक ऐसी बुक का एडेप्टेशन है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स थीम्स को हैंडल करती है। वी ऑल नो कि एक बुक को फिल्म में कन्वर्ट करना बॉलीवुड के लिए हमेशा टफ रहा है, बट सीरियस मैन इजंट वन ऑफ देम। सीरियस मैन स्टार्टिंग से एंड तक एक ऐसा स्क्रीन प्ले कंस्ट्रक्ट करती है जो कि बहुत ही इंटेंस है। ये फिल्म देखने में तो एक सिंपल सी स्टोरी लगती है जहां एक फादर अपने बेटे को जीनियस बनाने की कोशिश करता है, बट डीप डाउन इनसाइड इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल फिल्म। नवाज इन आवर ओपिनियन हैज गिवन अ स्टैंडआउट परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म, बट सैडली लोगों ने इस फिल्म को उतना नोटिस नहीं किया है। वी होप इन फ्यूचर पीपल रियलाइज व्हाट अ ब्रिलियंट वर्क ऑफ सिनेमा सीरियस मैन इज। ये देख, ओबामा फॉलो कर रहे थे रे वो। कितना व्यूअर्स है? 200। कितना फॉलोअर्स? 5000 है, लेकिन तू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाहरुख खान का औकात मेरे। नंबर 8,
सरदार उधम। सरदार उधम ईयर 2021 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है। दिस वाज अ बायोपिक ऑफ द फ्रीडम फाइटर सरदार उधम और ये एक ऐसी बायोपिक है जो हमने हिंदी सिनेमा में बहुत कम ही देखी है। विक्की कौशल की सुपर परफॉर्मेंस के अलावा सरदार उधम में कई ऐसी चीजें हैं जो उसे मास्टरपीस बनाती है। सबसे पहले फिल्म का बैक एंड फोर्थ नैरेटिव स्टाइल जो कि काफी इंटरेस्टिंग और थरली एंगेजिंग है और ये फिल्म को और भी लेयर्ड बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि फिल्म एक पीरियड ड्रामा है तो व्हाट इज रिमार्केबल इज द प्रोडक्शन डिजाइन एंड द रिसर्च taken by makers to recreate that era. अगर आप फिल्म को ध्यान से देखें तो फिल्म में उस एरा से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया है। एक और एस्पेक्ट जो सरदार उधम को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाता है वो है फिल्म के लास्ट 40 मिनट्स। यहाँ आपको जलियांवाला बाग मैसेकेयर दिखाया जाता है एंड हूएवर हैज सीन द फिल्म विल अंडरस्टैंड कि ये सीन कितना शॉकिंग था। नॉट मेनी डायरेक्टर्स हैव द गट्स लाइक सुजीत सरकार। He has shown कि एक बायोपिक को किसी कमर्शियल एलिमेंट के बिना भी बनाया जा सकता है। सोशल के राइटर वी ने सरदार उधम पर वीडियो ऐसे बनाया है जो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो फिल्म को डीपली समझना चाहते हैं। मैंने नोटिस किया कि किस तरह से हमें जलियांवाला बाग की गैदरिंग और जनरल डायर की आर्मी को 10 अलग कैमरा एंगल्स के थ्रू दिखाया जाता है। ये 10 कैमरा एंगल्स कोई 5 मिनट के सीन में नहीं आते हैं, ये 10 एंगल्स उन्होंने सिर्फ आपको 20 सेकंड्स में दिखाए हैं। लेट मी शो यू। कैमरा एंगल नंबर 1, डायर का क्राउड को देखना। एंगल नंबर 2, क्राउड का शॉट। एंगल नंबर 3, क्राउड में सिर्फ एक इंसान का पीछे देखना। एंगल नंबर 4, वाइड एंगल शॉट ऑफ द होल क्राउड। एंगल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इन माई ओपिनियन इज सिनेमैटिक ब्रिलियंस। नंबर 9, माइल्स स्टोन। 2021 में रिलीज हुई ये फिल्म हमें एक ट्रक ड्राइवर गालिब की कहानी बताती है। माइलस्टोन के काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो इसे इस लिस्ट में मेंशन बाकी फिल्म्स में से अलग बनाते हैं। वन ऑफ देम बीइंग कि फिल्म मोस्टली एक साइलेंट फिल्म की तरह प्ले होती है। फिल्म में बहुत ही कम डायलॉग्स हैं और इस वजह से फिल्म के बाकी एलिमेंट्स जैसे कि सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक और एक्टिंग पर ही सारा फोकस होता है। इफ यू आर इनटू पोएट्री देन यू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुली द फिल्म शोज सैडनेस। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हिंदी सिनेमा बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाया है, पर माइलस्टोन गिव्स यू समथिंग दैट यू विल नेवर फॉरगेट। देख बहुत है ना, समझा लीजिए। सुविंदर विकी की परफॉर्मेंस इज वन ऑफ अ काइंड जिसको देखकर आप बहुत इंप्रेस होंगे। सो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच माइलस्टोन ऑन नेटफ्लिक्स। मुंडे नु स्टीयरिंग क्यों नहीं फड़ंदा? मैनु लगदा ही नहीं वो स्टीयरिंग सांभ सकदा। नंबर 10, रमन राघव 2.0। बॉलीवुड में डार्क थ्रिलर्स को सिर्फ एक ही लेवल पर डार्क रखा जाता है जहां हमेशा से फिल्म का विलन ही सबसे डार्क कैरेक्टर होता है। बट रमन राघव वाज वन फिल्म दैट शोड एवरी कैरेक्टर एज अ डार्क कैरेक्टर। फिल्म एक सीरियल किलर रमन के बारे में है जिसको एक पुलिस ऑफिसर पकड़ने की कोशिश करता है। पूरी फिल्म के थ्रू हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं। अनुराग कश्यप इसके डायरेक्टर थे और इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी। इट वॉज अ रेयर फिल्म फॉर आर सिनेमा क्योंकि इतने ग्रूसम कैरेक्टर्स को लॉजिकली दिखाना किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। अनुराग कश्यप डज दिस पार्ट ब्रिलियंटली। दैट इज वाई वी बिलीव रमन राघव इज अ मास्टरपीस। अपुन को लगता है अपुन आपको आपसे ज्यादा पहचानता है। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारी मूवीज में से आपकी टॉप 3 कौन सी थी। वी आर एक्सपेक्टिंग इंटरेस्टिंग रिप्लाइज, सो प्लीज डू कमेंट। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।